एडीजी जोन अखिल कुमार ने रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर सादे कपड़ों में जाम की स्थिति जानने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरे, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराए जाने के सादे कपड़ों में सड़कों पर उतर कर जानकारी इकट्ठा किया गया है और पाया गया है कि रेलवे रोडवेज पर सरकारी एवं अनुबंधित बस चालकों द्वारा अनुचित तरीके से सड़क पर वाहन खड़ा कर अनावश्यक रूप से जाम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में उपस्थित संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो सड़क पर खड़े वाहनों पर सड़क पर ना खड़ा होने दें और यह भी बताया गया कि पुनरावृत्ति होने पर अभियान चलाकर इन बसों का चालान किया जाएगा। साथ ही इस निमित्त रोडवेज विभाग को पत्राचार भी किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास आकस्मिक चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन से सोनौली मार्ग पर कई वाहन बिना परमिट अवैध रूप से चलाए पाए गए। इस दौरान कई वाहन सड़क पर अनुचित तरीके से पार्क किए गए मिले, जबकि रेलवे स्टेशन परिसर में पेड़ पार्किंग को पहिया वाहन 24 घंटे का शुल्क 30 रुपये, चार पहिया वाहन का 24 घंटे का शुल्क 60 रुपये में खड़ा करने की व्यवस्था है। फिर भी लोग अनावश्यक रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि इस तरह की अवैध पार्किंग का चालान व जुर्माना 500 है। इस अवसर पर SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, रेलवे चौकी प्रभारी विवेक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, रेलवे स्टेशन रोड पर आज हम लोग आए थे और चूंकि हम लोग जब अपनी गाड़ियों में रहते हैं तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, हम लोग प्राइवेट गाड़ियों से मोटरसाइकिल से आके देखा था कि क्या स्थिति है यहाँ पर। तो ये पाया गया कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो टैक्सी चलती है खास करके यहाँ से सुनौली तक का, वो सब यहाँ पर खड़ी थी। अवैध रूप से गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि यहाँ सुनौली के बीच में बिना परमिट के वो खड़ी थी, और जो छोटे ऑटो हैं वो भी खड़े थे। ये मुख्यतः इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको कोई चालान नहीं कर रहा। अगर ये चालान करे तो रेलवे स्टेशन में 50-60 रुपए है सिर्फ पार्किंग का, तो वो उससे बचने के लिए वो जनता को इनकन्वीनियंस कर रहे हैं। SP ट्रैफिक साहब साथ में इनको ये दिखाया गया और कहा गया कि इस रोड पर कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो उसका सीधे चालान हो, इसमें कोई बचत नहीं है। रेलवे स्टेशन रोड एकदम क्लियर रहना चाहिए और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रैफिक इन्फोर्समेंट का, और ये एक प्रमुख पॉइंट है। और खास करके दूसरा बिंदु यह है कि यहाँ से अनधिकृत गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट से ठीक नहीं है। कौन आदमी है नहीं है तो ये वारदात वही लोग कर देंगे। ऐसी गाड़ियों पे तत्काल रोक करें, SP ट्रैफिक और RTO को दोनों को कहा जाएगा कि इस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। तो इससे कुछ अर्ले अच्छी एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो हम लोग जनपद स्तर के अधिकारियों से शेयर किया जाएगा और उनको इन्फोर्समेंट हेतु प्रेरित किया जाएगा।